हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई की गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पुणे घोरपड़ी गांव में अल हुदा गोट फार्म पर, और हमारे साथ यहाँ के ओनर हैदर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हैदर भाई, इस वीडियो में आप बैंटम दिखाने वाले। जी भाई। तो कितने मेल है और कितने फीमेल है भाई? ये वीडियो में अपन एक फीमेल है और तीन मेल बताएंगे इंशाल्लाह, और अच्छे क्वालिटी वाली फीमेल और क्वालिटी वाले बच्चे हैं पहले। जी, तो ये कब से आपके पास ये सारे बकरे? ये मेरे यानी ये होम ब्रीड नहीं है, ये मैंने लाया हूँ फॉर बेचने के लिए। अपना ये मेरे पास 2 महीने से तकरीबन, और अच्छे सेट है अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में। इनका डीवर्मिंग वगैरह भी हो गया अपने पास में। जी, और वैक्सीन नहीं हुआ है भाई? वैक्सीन नहीं हुआ इनको। तो प्राइस रीजनेबल रहने वाला है? नहीं भाई, रीजनेबल ही रहेगा इंशाल्लाह। जी, तो ठीक है, शुरुआत किससे करते? ये फीमेल है भाई। जी, फीमेल से शुरुआत करते हैं। जी भाई, एक सेकंड। ये प्योर वाइट ही है ना? नहीं भाई, ये इस पर ब्राउन शेड आया हुआ है। जी, हल्का ब्राउन शेड है इसके ऊपर। जी, पूरी वाइट नहीं है। जी, और एक खास बात होती है, आपके जो बकरे होते हैं माशाल्लाह कान काफ़ी अच्छे होते हैं। जी भाई, कान के आप इसमें देख सकते हैं क्वालिटी भाई। आप लोगों को कान ही पसंद है मेन, कान के बैंटम वैंटम जो रहते हैं भाई, ये कान पे ही खूबसूरत दिखते हैं। और पुणे में अलहमदुल्ला आपके जैसे शौक काफ़ी कम ही लोग करते हैं। जी भाई, जो फरी बैंटम होते हैं माशाल्लाह, आपके काफ़ी नायब नायब बकरे होते हैं। तो क्या डिटेल है ये फीमेल की? भाई ये अभी आदंत है भाई, अभी तकरीबन 8-9 महीने की है, और ये शायद भाई का साथ नरों के साथ में ही रहती है, तो शायद लगी होंगी, पर अपन इसको खाली ही बोलेंगे क्योंकि अपने सामने लगी नहीं है अभी तक। जी, तो एक एक बकरी ऐसी होती है जो आती हिट पे क्रॉस होकर बाद में शांत हो जाती है, यानी दिखाती नहीं हिट पे। तो ऐसे मेरे पास कई हुए बकरी, तो हो सकता लगी होंगी, पर अपन इसको खाली ही बोल के देखें। तो इसके कितने मांग रहे हैं आप भाई? इसके अपन मांग रहे हैं 13,500 रुपये। 13,500 वो मांग रहे हैं, कुछ कम ज़्यादा होगा उसमें? स्लाइटली हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, लेकिन कस्टमर करेंगे। जी जी, वो तो ट्रांसपोर्ट कस्टमर का ही रहेगा। जी ठीक है, अभी आपके दूसरे बकरे दिखाते भाई। ये देखो भाई, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट बच्चा है आदंत। जी, जबकि वो सब एक उम्र के बच्चे हैं लगभग, पर हाइट आप देखो, ये सब में छोटा है बच्चा। जी, और कान की क्वालिटी देख लो भाई इसके। और भाई इसके सिंग देख रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोटे आएंगे शायद। मोटे सिंग है माशाल्लाह, पूरे मार्बल सिंग है। जी जी, दांत भी बच्चा है, देखो दांत दिखा देंगे। आदंत बच्चा है ये, आदंत बच्चा है, और शॉर्ट साइज में 1 महीने का बच्चा है, बहुत शॉर्ट साइज में भाई। लिली पुट बोल सकते हैं इसको? इसको भाई मेरा ऐसा मानना है कि जब तक दांत नहीं लगाएगा तो मैं इसको बोल नहीं सकता भाई। ओके, पर लोग बोलते हैं लिली पुट, पर मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, तो गलत हो जाता है वो? हाँ, आपके हिसाब में कैसा तो आप बोलते नहीं? जी, वो कैसा है, अभी 8 दांत कर दिया, 6 दांत कर दिया, तभी तक उतना ही रहा, तो फिर भाई लिली पुट। जी, क्योंकि देखो इसके साथ में दूसरे बच्चे भी हैं इसके जो उम्र के हैं, पर वो इनसे ऊंचे, ये उनसे सब में छोटा और कॉम्पैक्ट है। जी जी जी, और एकदम क्वालिटी है भाई। अगर ये ब्रीडिंग पर्पज पे कोई लेके रखता ना, अभी कोई पटे वटे होंगे उनके साथ में, जी, तो भाई ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे आगे जाके। जी, कितने मांग रहे हैं इसके आप भाई? इसके अपन मांग रहे हैं 10,500 भाई। 10,500 वो मांग रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, और दाम भी आपने काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं मेरे हिसाब में। जी भाई, एकदम भाई रीजनेबल रेट लगा रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह कस्टमर को भी अच्छा लगे। क्वालिटी देखो आप, ये भी 8-9 महीने का बच्चा है। जी, आप देखो पूरी मार्बल सिंग, इसको चेहरे पे बाल भी है हल्के हल्के, पर इतना उसको बफ वफ नहीं बोलेंगे आप। जी, और ये भी शॉर्ट साइज में भाई एकदम। जी, ये भी शॉर्ट कॉम्पैक्ट बोलेंगे। जी, इसे क्या डिटेल है? 8-9 महीने का बच्चा है। जी, 8-9 महीने का है। और वजन और हाइट तो मैटर नहीं करती क्योंकि एंटिक चीज़ है। जी जी, ये भी पूरा मार्बल है? पूरा मार्बल है भाई, पूरा गुलाबी है। जी जी, इसे कितने मांग रहे हैं आप भाई? इससे अपन मांग रहे हैं 13,500 रुपये। 13,500 रुपये? जी, 13,500 रुपये आपके हिसाब में सही प्राइस है इसका? हाँ भाई, आप बच्चे की क्वालिटी देखो ना भाई, इतने इसमें माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी, यानी ये देखो ना अदंत बच्चा है, दांत एकदम बारीक है इसके, एकदम बारीक दांत है भाई। जी, और उसमें इसको माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी, यानी ये सब इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। पर अपन फ्यूचर का बोल के कभी देते नहीं जानवर। जी, वो तो अपन सब बता रहे हैं। बच्चा भी काफी गोल मटोल एकदम माशाल्लाह। हां, बहुत माशाल्लाह गोल मटोल है। जी, आए थे तभी बहुत खराब थे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में बहुत माशाल्लाह। ये आपके 2 महीने की मेहनत दिख रही है बकरे में। 2 महीने की अपनी मेहनत है माशाल्लाह, एकदम ऐसे फुटबॉल के जैसे हो गए बच्चे। खाने में तो बहुत माशाल्लाह है भाई, कुछ भी खाते हैं, यानी उनको ऐसा कुछ खाने का ऐसा उनका ये नहीं है, नाटक नहीं है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे भाई, जो डालो वो माशाल्लाह खा लेते हैं और साफ कर देते पूरा। जी ठीक है, अभी आपका आखिरी बकरा बच्चा वो दिखा देते हैं। यह आखिरी बकरा है इस वीडियो का। जी, किसी का डिटेल है? ये भी भाई तकरीबन 9 से 10 महीने के आसपास का है। जी, बड़ा है ये उन तीनों में। जी, हाइट काफ़ी बड़ी दिख रही है इसकी। जी, ये उनसे बड़ा है उम्र में। जी, और सिंग विंग आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह, एकदम मार्बल और मोटी सिंग है। जी, दांत दिखा दीजिए एक बार।
तो ये कितने वक्त में दांत लगाएंगे अंदाजन आपके समय? ये अभी और यानी ये चार महीने चार महीने के ऊपर ही लगेगा इंशाल्लाह। जी बकरा दांत कितने महीने में लगाता है एक? भाई देखो कोई बकरा जो है 12 महीने में तो कोई 14 महीने में लगाता है। जी 12 महीने में जो लगाता है उसके यानी पहचान ऐसी है कि अपन जब जानवर को जैसे आपने नॉर्मली सिटी में जो पालते हैं, अपन सिटी में बकरे को अपन चारा रस्सी से बांधते हैं जी, तो बकरा ऐसा खींच के खाता है जी और अनाज भी खाता है कड़क जी, तो ऐसा खींच के खाने वाला बकरा जो है ना वो जल्दी दांत लगाता है। ओके यानी उसको 12 महीने पकड़ो आप 12-13 महीने। और जो जंगल में चर के खाता है नीचे मुंडी का जी, तो वो बकरा भाई 14 महीने तकरीबन लेता है। जी जी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हैदर भाई, ये अभी तक नहीं क्या मैंने काफ़ी लोगों को पूछा हूँ, आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया उसका माशाल्लाह। उसका वो अपने पास वैसे अपन प्रैक्टिकल है ना भाई जी, जी चीज़ों में अपने पास काफ़ी पुराने भाई आप इस लाइन के। जी भाई अलहमदिल्ला। तो हैदर भाई ये बकरा क्या देख के लेना चाहिए वो? तो भाई बकरा देखो सिंग विंग माशाल्लाह इसकी मोटी है अच्छी खासी जी, तुम बॉडी लाइन तो देख रहे हो बच्चे की माशाल्लाह, अच्छा गोल मटोल बच्चा है जी, अदंत बच्चा है हाँ। और खाने पीने में बहुत तगड़ा है माशाल्लाह जी। यानी मेन क्या होता मानो कि भाई पब्लिक को प्रॉब्लम यह आती है कि जब जानवर मंगाते हैं ना बाहर से तो ये खाने पीने को बहुत नाटक करते हैं नई जगह पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के पास जब आए ना भाई तभी से अभी तक इन्हें मेरे को आज तक खाने को सता ही नहीं भाई, यानी जब भी को जो भी चारा सामने रहे ना भाई सब माशाल्लाह खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। हाँ तो मेन वही एक मेन बेनिफिट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चारे पे सेट है माशाल्लाह। अनाज में हम लोग इनको भरडा देते भाई, भरडा देते चने का भरडा आता है उसमें मक्का चना चने की फूल वो सारी चीजें जी जो रेडीमेड बाजार में अवेलेबल होता है वो है वही वो खिलाते आप जी वही देता जी अनाज। उसमें मैं सुना हूँ कि उससे ज्यादातर बकरे जुलाब भी नहीं करते तो कम क्वांटिटी में उसमें अनाज क्रश किया हुआ रहता है, क्रश कर लेकिन एक्चुअली क्या है वो चने का भाडा रहता है ना भाई तो वो ज्यादा भी नहीं दे सकते जी, वो गर्म रहता है। ओके तो एक उसका लिमिटेड अगर जैसा बकरा पचा सकता है उत्तर दिए तो फिर वो सही रहता है उसके लिए जी जी। इसके कितने मांग रहे हैं आप हैदर भाई? भाई इसके 14,500 रुपये 14,500 रुपये मांग रहे हैं जी, ये भी कम ज़्यादा हो जाएगा ना? स्लाइटली नेगोशिएट कर दूंगा भाई जैसा भी है, जो भी आपने प्राइस बताया सबका वो कुछ ना कुछ कर देंगे आप, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। और ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ तक कर देंगे आप? ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया इंशाल्लाह, जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक कर देंगे जी। और हैदर भाई ये अगर बकरे किसी को पुणे में लाइव देखने जी तो लैंडमार्क के नज़दीक कहाँ पर आना होगा? ये पुणे में भाई घोरपड़ी गाँव जहीन चौक, हमारे यहाँ पे देखो जामा मस्जिद है सामने जी, जामा मस्जिद के एकदम सामने एक जगह जी। ठीक है आपका नंबर सीखीजिए भाई जी 8668272861। ठीक है जजाकल्ला हैदर भाई, अगर किसी को लेना हो तो आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में ये तीन बैंटम नस्ल के बकरे देखे, उसमें एक फीमेल है और तीन मेल है, ये अगर आपको लेने हैं तो ज़रूर हैदर भाई को कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलामुअलैकुम।